नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति के चलते वाहन सामग्री से बाजार सजे। महास्वच्छता अभियान के तहत निकली भव्य रैली। जिला नियोजन कार्यकारी समिति की सभा 19 को। ग्रामीण इलाकों में रेत का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन। विशालकाय सूखा पेड़ दे रहा है बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण। विस्तार से मकर संक्रांति को देखते हुए बाजार में कई प्रमुख मार्गों पर वाहन की दुकानें सज गई है। संक्रांति पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के आयोजन महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जिसे देखते हुए विभिन्न प्रकार के वाहनों की खरीदारी में महिलाएं जुट गई है। नए साल के सबसे पहले त्योहार मकर संक्रांति पर लगने वाली सामग्री की दुकानें शहर में अनेक स्थानों पर सज गई है। संक्रांति के दिन से शुरू होने वाले महिलाओं के मनपसंद हल्दी कुमकुम के लिए लगने वाली वाहन की सामग्री की दुकानें बाजार में सज गई है। वाहन में महिलाएं एक दूसरे को उपहार स्वरूप कुछ भेंट वस्तु प्रदान करती है। इस परंपरा को देखते हुए बाजार में छोटे बड़े व्यवसायियों द्वारा वाहन सामग्री की दुकानें लगाई गई है। इस सामग्री में स्टील एवं प्लास्टिक के बर्तन का समावेश है। स्टील की वाहन सामग्री में अगरबत्ती स्टैंड, निरंजनी, छोटी बड़ी कटोरिया, छोटे बड़े चम्मच, कुरी, अदरक किसनी, स्टील कप, बेबी ग्लास, डिब्बी, चाय छलनी सहित डोंगे, प्लेट। प्लास्टिक की वाहन सामग्री में साबुनदानी, चाय छलनी, विविध आकार के रंग बिरंगे डब्बे, मग, टोकरिया, तांबे एवं पीतल की वस्तुओं में तांबे के छोटे कलश, प्लेट, दिए तथा अन्य पूजा सामग्री की चीजों का समावेश है। पारंपरिक वाहन सामग्री में सबसे ज्यादा महत्व होता है गेहूं, गाजर, हरे चने, मटर, भिलावा एवं गन्ने का, जिसकी आवक बड़े प्रमाण में हो गई है। इसके अलावा मिट्टी के छोटे घड़े भी बड़े प्रमाण में उपलब्ध कराए गए हैं। वाहन की सामग्री खरीदने में विशेषकर महिलाएं अत्यंत उत्साहित नजर आ रही है। मकर संक्रांति इस साल 15 जनवरी को आ रही है, जिसे अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है। वाहन की सामग्री से शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कें सज गई है, जिसके कारण वातावरण में विशेष प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है। महास्वच्छता अभियान को लेकर अकोला में महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में कई शालाओं के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। यह महारैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। अगर हम अपने आसपास व परिसर में सफाई ठीक तरह से करते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वच्छता को लेकर हम जागरूक रहे और हमारे आसपास के लोगों को भी इसके महत्व से अवगत कराए। यह प्रतिपादन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला परिषद अध्यक्षा संध्या वागोड़े ने किया। न्यू इंग्लिश हाईस्कूल में आयोजित महास्वच्छता अभियान के एक कार्यक्रम में वे संबोधित कर रही थी। भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
शनिवार को शहर में स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शालाओं के छात्रों ने सहभाग जताया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्षा संध्या वागोड़े प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक विप्लव बाजोरिया की उपस्थिति रही। विधायक विप्लव बाजोरिया ने इस समय स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। इस समय जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खिल्लारे, मिशन अधिकारी प्रकाश मुकुंद, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी वैशाली ठग उपस्थित थी। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक बाजोरिया ने किया, प्रास्ताविक शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद ने किया, जबकि कार्यक्रम का सूत्र संचालन नंदकिशोर भूरे, श्रीकांत रत्न पारखी ने किया। इस अवसर पर निकाली गई महास्वच्छता रैली को मान्यवरों ने रवाना किया। इस रैली में न्यू इंग्लिश जुबिली स्कूल, जिजाऊ कन्या विद्यालय, लॉ कॉलेज के छात्र समेत शहर की विभिन्न शालाओं के छात्र सहभागी हुए। जिला नियोजन समिति को सहयोग करने वाली कार्यकारी समिति की सभा 13 जनवरी को आयोजित की गई थी, जो अब 19 जनवरी की सुबह 9 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में ली जा रही है। पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल की अध्यक्षता में जिला वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2019 सन 2020 अंतर्गत कार्यान्वित विभागों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप ढांचा तैयार करने के लिए आयोजित जिला नियोजन समिति को सहयोग करने वाली कार्यकारी समिति की सभा 13 जनवरी को आयोजित की गई थी। यह सभा अब 19 जनवरी 2019 को सुबह 9 बजे श्री छत्रपति सभागृह नियोजन भवन जिलाधिकारी कार्यालय अकोला में आयोजित की गई है। जिला नियोजन समिति की सभा के समय में बदलाव नहीं किया गया है, यह पूर्व के अनुसार ही होगी। इस सभा में कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे, यह सूचना जिलाधिकारी की ओर से की गई है। ग्रामीण इलाकों के नदी नालों से बड़े प्रमाण में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत चोरी करने के बाद वाहन प्रमुख मार्गों से दौड़ रहे हैं, जिस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए महसूल व पुलिस विभाग तैयार नजर नहीं आ रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा, कौठा, हाता, बोरगांव, वैराले, सोनाला व आसपास की नदियों नालों से अवैध रूप से उत्खनन कर रेत की चोरी की जा रही है। नदी नालों से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर वाहनों के माध्यम से गांवों तथा नजदीकी शहर में बेचा जा रहा है। दिन दहाड़े ये वाहन रेत भरकर ले जा रहे हैं। लोहारा कौठा से मुख्य मार्गों से होते हुए ये वाहन जा रहे हैं। रेत से भरे ये वाहन उरल पुलिस थाने के सामने से होते हुए नीमकरदा, गायगांव, अकोला, टाकली, खंडाला जाते नजर आते हैं। इस ओर राजस्व विभाग की जानबूझकर अनदेखी हो रही है। रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं और राजस्व विभाग को लाखों का चूना लग रहा है। विशेष बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारी भी सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला के मुख्य बस स्थानक परिसर के भीतर एक विशालकाय पेड़ है, जो पूरी तरह से सूख गया है। इस सूखे हुए पेड़ के नीचे यात्रीगण बसों का इंतजार करते रहते हैं। यह पेड़ कभी भी धराशायी होकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अकोला के मुख्य बस स्थानक के भीतर एक विशालकाय पेड़ है, जो पूरी तरह से सूख गया है, जो धराशायी होकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। अकोला के मुख्य बस स्थानक के भीतर एक बड़ा पेड़ है, जो काफी पुराना है। यह विशालकाय पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। इस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया गया है, जहां यात्रीगण बस की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। यह सूखा पेड़ कभी भी धराशायी होकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सूखे पेड़ को काटकर होने वाली बड़ी दुर्घटना को समय रहते टाला जा सकता है। इस पेड़ की टहनियों की कटाई छटाई कर इसका सौंदर्यकरण किया जा सकता है। इस ओर एसटी व्यवस्थापक को ध्यान देने की जरूरत है। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा रोजाना अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण वाद विवाद की घटनाएं हो रही है। मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने मुख्य सड़कों से लघु व्यवसायियों का अतिक्रमण खदेड़ने की कार्रवाई जारी रखी। साथ ही जैन मंदिर के सामने दाना बाजार स्थित दुकानों के चबूतरे तोड़ने की कार्रवाई आरंभ की गई, जिसके विरोध में एक व्यक्ति ने जेसीबी चालक को वजन कांटे का वजन फेंक मारा। इस हमले में जेसीबी चालक बाल बाल बच गया। मामले में संबंधित चालक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के दल द्वारा दूसरे व चौथे शनिवार को शासकीय अवकाश के दिन कार्रवाई नहीं की जाती थी, जिससे गांधी मार्ग से लेकर परिसर में लघु व्यवसायियों का अतिक्रमण फैल जाता था। वैसे भी दल के रवाना होते ही मार्ग पर लघु व्यवसायियों का अतिक्रमण बना रहता है। जब मनपा का अतिक्रमण निर्मूलन दल कार्रवाई के लिए निकला तो लघु व्यवसायियों में भागम भाग मची। आराम से दुकानें सजाकर बैठने वाले लघु व्यवसायी दल को देखते हुए गलियों में रवाना हुए। इसके बाद गजराज लेकर पुराना दाना बाजार में कार्रवाई शुरू की गई। किराना दुकान के सामने के चबूतरे गिराए गए। इस दौरान एक व्यक्ति ने वजन कांटे का 1 किलो का वजन जेसीबी चालक को फेंक मारा। सौभाग्य से निशाना चूक गया। मामले में जेसीबी चालक करण खरारे ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कारंजा लाड में संपत्ति के विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों में जोरदार मारपीट की घटना हुई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संपत्ति को लेकर हुए झगड़े में एक ही परिवार के सदस्यों में मारपीट हुई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल होने की घटना कारंजा शहर के सिंधी कैंप में घटी। वाद में घर को जलाया गया, इसमें घर की सामग्री जलकर खाक हुई। कारंजा के सिंधी कैंप में छद्दानी परिवार में संपत्ति को लेकर वाद निर्माण हुआ। इस वाद का रूपांतर मारपीट में होने से 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। घायल में कन्हैयालाल छद्दानी उम्र 75 साल, ओम प्रकाश छद्दानी उम्र 38 साल, दीपक छद्दानी उम्र 40 साल, रामीबाई कन्हैयालाल छद्दानी उम्र 70 साल, हर्षा दीपक छद्दानी उम्र 38 साल, महक ओम प्रकाश छद्दानी उम्र 30 साल तथा जितेंद्र ओम प्रकाश छद्दानी उम्र 25 साल सभी सिंधी कैंप कारंजा निवासी है। घटना में गंभीर घायलों को सर्वप्रथम कारंजा उपजिला अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने से आगे के उपचार हेतु अकोला तथा वर्धा में रवाना किया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। अकोला बार एसोसिएशन के चुनाव 25 जनवरी को लिए जा रहे हैं। मतदान के बाद इसी दिन परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में 1250 अधिवक्ताओं में से 946 को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। 25 जनवरी को अकोला बार एसोसिएशन के 4 महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। बार से 1250 अधिवक्ता संलग्न हैं, किंतु बार की वार्षिक सभासद शुल्क अदा न किए जाने के कारण इस चुनाव में केवल 950 अधिवक्ताओं को ही मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अकोला बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बज चुका है। एसोसिएशन ने चुनाव की सभी प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जिससे ठंड के मौसम में भी बार एसोसिएशन में गर्मी का वातावरण दिखाई दे रहा है। 25 जनवरी को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ सह सचिव का चुनाव किया जाएगा। इस वर्ष बार के कानून में संशोधन करते हुए महिला प्रत्याशी के लिए विशेष सह उपाध्यक्ष के पद का गठन किया गया है। इस पद पर केवल महिला अधिवक्ता ही चुनाव लड़ सकती है, जिससे इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 4 लोगों को वोटिंग करनी होगी। अकोला बार एसोसिएशन में 1250 अधिवक्ताओं ने सनद दी है। बार एसोसिएशन के नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को नियमानुसार वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होता है, लेकिन काफी अधिवक्ता शुल्क का प्रतिवर्ष का भुगतान न करते हुए 2 या 3 वर्षों का शुल्क एक साथ अदा करते हैं। लेकिन बार एसोसिएशन के चुनाव में अपने मतदान तथा खड़े रहने वाले प्रत्याशियों को शुल्क अदा करना बंधनकारक है। बार एसोसिएशन की हुई बैठक में 10 जनवरी तक सभासदों को शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था, किंतु 1250 सभासदों में से केवल 946 सदस्यों ने शुल्क अदा किया है, जिससे नियमों के अनुसार इस चुनाव में अपने मनपसंद प्रत्याशी का चयन केवल 946 सभासद करेंगे। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को आ रही है। इस प्रकार की जानकारी पंडित सुदर्शन शर्मा ने दी है। इस वर्ष सोमवार 14 जनवरी 2019 को रात्रि में 7:48 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। सूर्यास्त के पश्चात होने के कारण पूर्व काल अगले दिन यानी मंगलवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ग्रहों के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रमण कहते हैं। सनातन हिंदू संस्कृति में सूर्य और चंद्र इन दोनों का बड़ा महत्व है। लगभग सभी पर्व और त्योहार इन दोनों के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं।
सूर्य के एक राशि से दूसरी में संक्रमण को संक्रांति कहते हैं। यूं तो वर्ष में 12 संक्रांतियां आती है, उसमें कर्क की संक्रांति और दूसरी मकर संक्रांति मुख्य है। मकर संक्रांति के बारे में पंडित सुदर्शन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष संक्रांति यह सिंह पर बैठी हुई है, साथ ही हाथी उपवाहन है, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए है। इस कारण सफेद वस्तुएं महंगी होगी, कपास का अभाव होगा, अन्न भी महंगा होगा। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्यास्त के बाद में सूर्य मकर राशि में संक्रमण कर रहे हैं, और ये जो पर्व है ये सूर्य की साक्षी में सूर्य का पर्व है, इसलिए उसका जो पर्व काल है वो अगले दिन यानी 15 जनवरी 2019 को मनाया जाएगा। पर्व काल है 15 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त, यानी सुबह 7:03 से लेकर के शाम 5:59 तक है। सूर्य मकर संक्रांति के अलग अलग जो परिणाम जो है उसके आधार पर भविष्य कथन का भी एक परंपरा रही है, उस अनुसार यह जो संक्रांति है, संक्रांति का वाहन सिंह है और उपवाहन हाथी है। संक्रांति ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, भुशुंडी शस्त्र हाथ में धारण कर रखा है, ये अन्न खा रही है और कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ है, चंपा का पुष्प हाथ में है। जाति की बात करते हैं तो देव जाति की है और अवस्था बालिका है। मूंगे की माला संक्रांति ने धारण कर रखे हैं आभूषण स्वरूप में और ये बैठी हुई अवस्था में है। दक्षिण दिशा की ओर से ये आ रही है और उत्तर की ओर बढ़ रही है, ईशान कोण को देख रही है। पहाड़ जंगलों पर रहने वाले जो लोग हैं, योद्धा जो है, उनको ये संक्रांति पीड़ादायक है। अलग अलग देशों के बीच में जो विवाद है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि मंगलवार के दिन है। धन धान्य भी बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ वो महंगा भी होगा, सफेद कपड़े महंगे होंगे। कपास की जो फसल है वो इस बार कमजोर हो सकती है क्योंकि सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं संक्रांति ने। धन का दान, अनाज का दान, कपड़ों का दान, ऐसे किसी जरूरतमंद को करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं और जप आदि करते हैं, तब ये संक्रांति जो है ये पुण्यदायी होती है और करना चाहिए। और ये दान का पर्व है, संक्रांति का जो पर्व होता है ये देने का पर्व है, क्योंकि सूर्य महाराज हमें देते ही रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं और इस कारण से पूरी जो सृष्टि है वो सूर्य के ऋणी होते हैं और इस प्रकार इस पर्व की महिमा। जीवदया प्रेमी दिलीप बाबा ने बुलढाणा जिले के महकर तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनाटी स्थित खंडोबा संस्थान परिसर में महाप्रसाद का आयोजन किया। इस महाप्रसाद में 35 क्विंटल की पूरी भाजी वितरण किया गया, जिसका लाभ हजारों नागरिकों ने लिया। समस्त जीवों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एवं सैकड़ों सालों से चली आ रही पशु बलि प्रथाओं को बंद करने वाले जीवदया प्रेमी दिलीप बाबा के प्रयासों से कई गांवों में पशु बलि प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहां मुक पशुओं की बलि दी जाती थी, वहां मिष्टान्न व महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। बुलढाणा जिले के महकर तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनाटी के श्री मल्हारी मालसाकांत खंडोबा संस्थान में जीवदया प्रेमी दिलीप बाबा के हाथों महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर 61 बोरे आटे के अलावा 35 क्विंटल पूरी भाजी का महाप्रसाद वितरित किया गया, जिसका लाभ हजारों नागरिकों ने लिया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्यानंद सरस्वती महाराज, मेहकर के विधायक संजय रायमुलकर, दिलीप भाई शाह, प्रहलाद गावंडे, नागे गुरुजी, अजय ठाकुर जमुनाह, गोयंका, जगनलाल बाहेती आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। टीबी मुक्त भारत के लिए 20 जनवरी को साइक्लोन रैली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 14 किलोमीटर अंतर की यह साइकिल रैली आईएमए हॉल से सुबह 9 बजे निकलेगी। इस प्रकार की जानकारी आईएमए हॉल में आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई।
हमारे देश में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। शहरी नहीं बल्कि गांव में भी रास्ते से चलना कसरत का काम हो गया है। इसके भी ऊपर भारत में प्रतिवर्ष क्षय रोग से लाखों मरीजों की मृत्यु होती है, परंतु सभी के सहयोग से इस बीमारी को जड़ से खत्म करना संभव है। इस वर्ष साइकिल रैली को पर्यावरण संरक्षण व क्षय रोग से मुक्ति इस संकल्पना को समर्पित किया गया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में डॉक्टर राजेंद्र सोनो ने HPCL के ऋषि कुमार सिंह ने दी। विगत 4 साल से राजराजेश्वर नगरी में साइकिल दिवस साइक्लोन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सोनोने के नेतृत्व में मनाया जाता है। भारतीय बधिरीकरण शास्त्र तज्ञ परिषद IMA साइक्लोन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में 20 जनवरी की सुबह 8 बजे IMA सभागृह से विशाल सक्षम साइक्लोन इस 14 किलोमीटर अंतर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का विशेष आकर्षण रहेगा साइकिल क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली दो विदर्भ कन्या, जिसमें नागपुर की कक्षा 9वीं की तन्वी तरार, जिसने संपूर्ण भारत में साइकिल व ट्राइथेलान स्प्रिंट में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है, उसी तरह नागपुर की गृहिणी ज्योति पटेल, जिन्होंने साइकिल की लंबी दूरी की स्पर्धाओं को पूरा कर मध्य भारत की प्रथम महिला होने का बहुमान पाया है। रैली को जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल हरी झंडी दिखाएंगे। रैली IMA सभागृह से होकर अकोला शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई भारत विद्यालय के प्रांगण पर विसर्जित होगी। दरवर्षी प्रमाणे या चौथ्या वर्षी ही IMA साइक्लोन ही अकोल्यामध्ये सायकल अवेअरनेस रॅलीचं आयोजन करते आहे 20 जानेवारीला। आपल्या देशामध्ये आपण बघतो आहे की पर्यावरणाचा भस्मासूर हा सगळ्यांचं आरोग्य गिळंकृत करतो आहे, त्यासोबतच भारतामध्ये दरवर्षी साधारणतः 2.25 लाख लोक क्षयरोगाने मृत्यू पावतात। हे कधी थांबणार? हे थांबण्यासाठी IMA सायक्लोन पुढाकार घेतं आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी संरक्षणासाठी आणि TB हटाव मोहिमेसाठी पुढाकार घेऊन 20 जानेवारीला सायक्लोन ही रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। ही रॅलीचं आयोजन IMA अकोला, भारतीय बधिरीकरण तज्ज्ञ संघटना अकोला आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येत आहे। ही रॅली सकाळी 8 वाजता IMA हॉल येथून फ्लॅग ऑफ होईल आणि गोरक्षण रोड, कौलखेड मार्ग, अशोक वाटिका, कलेक्टर ऑफिस, सरकारी बगीचा, मानेक टॉकीज, अग्रसेन चौक, कोर्ट, बिर्ला रोड या मार्गे होत ती भारतीय विद्यालयाच्या पटांगणामध्ये तिचा समारोप होईल। या रॅलीचं विशेष आकर्षण म्हणजे विदर्भाच्या 2 कन्या ज्या नागपूरच्या आहेत, कुमारी तन्वी तरारे ही 8व्या 9व्या वर्गातली विद्यार्थिनी, जी आज राष्ट्रीय सायकलच्या क्षेत्रामध्ये खूप नाव कमावते आहे, आणि ज्योती पटेल ही एक गृहिणी आहे जिने सायकलच्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव कमावलेलं आहे। अशा ह्या 2 विदर्भ कन्या ह्या रॅलीचं खास आकर्षण राहणार आहेत आणि ह्या रॅलीमध्ये काही सहभागी होणाऱ्यांसाठी लकी ड्रॉ पण आहेत, 4 सायकली आहेत, सायकलचे विशिष्ट कंपनीचे गॉगल्स आहेत आणि इतरही बक्षिसं या रॅलीच्या निमित्ताने लकी म्हणजे भाग्यवंत भाग्यवंत लोकांना मिळणार आहेत। तर मी IMA सायक्लोनतर्फे सर्वांना जाहीर आवाहन करतो आहे की त्यांनी या सायकल रॅलीमध्ये स्वयंस्फूर्तपणे सहभागी व्हावं। या जे लोक प्री रजिस्ट्रेशन करतील त्या लोकांना प्री रजिस्ट्रेशनचे जे कूपन आहेत ते काही विशिष्ट ठिकाणी आहेत, तिथून त्यांनी कूपन घेतले तर त्या कूपनवरती रॅलीच्या अगोदर त्यांना एक T-shirt, कॅप आणि एक लकी ड्रॉ कूपन मिळेल। ज्या लकी जेव्हा भाग्यवंतांची सोडत भारत विद्यालयाच्या पटांगणात होईल तेव्हा तिथून 4 सायकली आणि 5 गॉगल हे वितरित करण्यात। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्युटी टिप्स।
एक नजर आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति के चलते वाहन सामग्री से बाजार सजे। महास्वच्छता अभियान के तहत निकली भव्य रैली। जिला नियोजन कार्यकारी समिति की सभा 19 को। ग्रामीण इलाकों में रेत का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन। विशालकाय सूखा पेड़ दे रहा है बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण। समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।